कि वीडियो में मैं आपको 44 की फैक्टर ट्री बनाना सिखाऊंगा। फैक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वह नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये कुछ आपके प्राइम नंबर्स हुए। इसके बाद इसमें आपको टेबल आना ज़रूरी है, ठीक है। जिस तरह से हम ट्री की ब्रांचेज होती हैं, इसी तरह हमने 44 की भी ब्रांचेज बना ली। दो फिर सबसे पहले देखिए 44 किसके टेबल में आएगा, ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 20 2 44, फिर अगर यहाँ पे प्राइम नंबर होता तो आपकी फैक्टर ट्री यहीं पे क्लोज हो जाती, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है तो और आगे बढ़ते हैं। फिर 2 11 11 एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब आपकी फैक्टर ट्री कंप्लीट है। अब देखते हैं कि आपने जो फैक्टर ट्री बनाई है वो सही है या गलत। फिर इसके लिए आपको लेफ्ट से राइट चलना पड़ेगा, जो भी आपको लेफ्ट से राइट नंबर मिलेंगे सभी प्राइम नंबर होने चाहिए। 2 2 11 ये तीनों ही प्राइम नंबर है। फिर इन प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा जिसकी आपको फैक्टर ट्री बनानी थी। तो 2 × 2 × 11 क्या हुआ, 44 हुआ। 44 की आपको फैक्टर ट्री बनानी थी, तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्टर ट्री एकदम सही है और 2, 2 एंड 11 44 के प्राइम फैक्टर्स भी हुए।